हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीट डिजाइंस में। आज जो हम अपना डिजाइन रेडी करेंगे वो है प्लाजो पैंट की मोहरी का, जिसे मैं गोटा पत्ती लेस के साथ रेडी करूंगी। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो हम अपना डिजाइन रेडी करेंगे उसके लिए मैंने ये लिया है फैब्रिक। ये मेरा शर्ट से बचा हुआ फैब्रिक है जिसे मैं प्लाजो पैंट पे डिजाइन करूंगी। इसके बीच में मैंने एक सिलाई दी है, मैंने इसको ज्वाइंट करके ये डिजाइन डाल रही हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगी अब बचे हुए फैब्रिक से कितना ब्यूटीफुल डिजाइन आप घर पे ही रेडी कर सकते हो अपनी प्लाजो पैंट का। तो मैं इस पे पेस्टिंग लगाऊंगी, ये मैंने पहले भी आपको कई वीडियोज में बताया हुआ है। ये आयन से चिपकती है, फैब्रिक के ऊपर अच्छे से चिपक जाती है और इससे क्या होता है हमारा जो फैब्रिक है उसमें थोड़ा थिकनेस भी आ जाती है और ये कितना नीट लगता है, आपको देखो नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मेरे पास जो शर्ट का फैब्रिक बचा था वो बहुत कम था, इसलिए मैंने इसके बीच में जॉइंट लगा के अपनी प्लाजो पैंट की मोरी के बराबर इसको लंबा कट कर लिया है। अब मैं इसको इसकी पेस्टिंग को इसके बराबर ही कट कर दूंगी इस तरीके से। मैंने पेस्टिंग के बराबर अपने फैब्रिक को भी ऐसे कट कर लेना है। लगभग ये चौड़ा जितना मैंने लिया है 4 इंच चौड़ा है, लंबा जितनी मेरी प्लाजो पैंट की मोरी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको अपनी प्लाजो पैंट पे डिजाइन करते हैं इस गोटा पत्ती लेस के साथ। तो ऐसे मैंने अपनी प्लाजो पैंट को पहले से रेडी करके रखा है इसकी मोरी को। तो चलिए अब हम इस पे इसको डिजाइन करते हैं। आपने अपनी प्लाजो पैंट उतनी ही कट करनी है जितनी आपको लेंथ चाहिए, सिर्फ आधा इंच आपने ज्यादा रखना है क्योंकि ये जो फैब्रिक है हम इससे अपनी मोरी को इस तरीके से पलट सकते हैं। तो अभी मैं इस पे गोटा पत्ती लगाने जा रही हूं। तो ऐसे हम अपनी गोटा पत्ती लेस को लेंगे और इसको उल्टा करके अपने जो फैब्रिक पे सीधी साइड पे हमें इसको लगाना है, लेकिन लेस को उल्टा करके, और लगभग इधर आधे इंच का मार्जिन आपके पास होना चाहिए इस साइड। आपको जितनी लेस दिखानी है उसको सिलाई के इस साइड पे रखिए और जो आपको नहीं दिखानी है वो इस साइड पे। तो आप ये मेरी सिलाई देख सकते हैं, मेरी जो लेस है पलट के ऐसे आ जाएगी, इसकी एक साइड की किनारी हमारी बाहर की तरफ दिखाई देगी। तो हमारी ये लेस एक साइड पे लग चुकी है, मैं दूसरी साइड पे लगाने जा रही हूं। ये जो हमारा डिजाइन है वो बॉर्डर की तरह हमारी प्लाजो पैंट पे आएगा और जो गोटा पत्ती है वो पलट के हम इसको ऐसे कर लेंगे, एक साइड इधर दिखेगी और एक साइड ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाली साइड में भी हमें ये आधे इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो ऐसे हमने अपनी गोटा पत्ती को लगा लिया है। अब हम इसको आयन से इस तरीके से बिठा देंगे, ऐसे दो फोल्ड करके आयन से अच्छे से बिठा देंगे ताकि इसके ऊपर और अच्छी फिनिशिंग आए। ऐसे आ जाएगा हमारा ये बॉर्डर। तो ऐसे हम इसको फोल्ड करके आयन कर देंगे, दोनों तरफ से हमें फोल्ड करना है और अच्छे से आयन कर देना है ताकि हमारी बॉर्डर पे अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर हमारा ऐसे रेडी हो गया है प्रेस करने के बाद। अब मैं इसको अपनी प्लाजो पैंट पे स्टिच करूंगी। तो ये मेरी प्लाजो पैंट की मोरी है, हमने उल्टी साइड लेनी है अपनी पैंट की और इस तरीके से हमें लगभग आधा इंच दबाना है जितना मैंने आपको बताया है मार्जिन लेना है। ऐसे हम इसको दबाएंगे और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा देंगे।
ऐसे बॉर्डर रेडी करके स्टिच करने से क्या होगा, आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलाई दिखाई देगी। अगर आप ऐसे गोटा पत्ती इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करोगे तो उसके ऊपर आपकी दो सिलाइयां दिखाई देंगी। ऐसे स्टिच करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये ऐसे उल्टी साइड पे ऐसे आ गया। अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने से ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको पलट के इस तरीके से यहां पे हम किनारी की सिलाई के साथ ऊपर वाली सिलाई को भी बिठा देंगे और ये देखिए हमारी प्लाजो पैंट पे ऐसे बॉर्डर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्लाजो पैंट की मोहरी का कितना अच्छा डिजाइन रेडी हुआ है। आप भी इसी तरीके से अपनी पैंट्स को डिजाइनर बना सकते हो घर पे ही। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो आपकी जितनी प्लाजो पैंट की मोहरी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको स्टिच करूंगी। तो मैं अपनी पैंट को पूरा रेडी करके इसकी शर्ट भी आपको दिखाऊंगी। ये पैंट का डिजाइन कितना ब्यूटीफुल डिजाइन ऐसे रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ की ये प्रिंटेड शर्ट है, मैं वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने उस पर भी गोटा पत्ती की डिजाइनिंग दी है। ये देखिए, ये इसकी शर्ट है। मैंने नेक के साथ साथ इसकी पाइपिंग दी है गोटा पत्ती की और स्लिट्स पे भी दी है। तो ऐसे ये हमारा डिजाइनर सूट रेडी हो गया है इस तरीके से। तो ये होगी हमारी प्लाजो पैंट की फाइनल लुक विद शर्ट और ये होगी हमारी शर्ट की फ्रंट और बैक की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।